थ्री फोर फाइव। हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। और आज हम शूटिंग टेस्ट करने वाले हैं CZ-75 P07 ड्यूटी का, जो कि काफ़ी अच्छी गन है अगर आप देखें तो। और इसका हमने रिव्यू बनाया था एंड वी गॉट अ क्रेजी 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 रिस्पॉन्स। वो सोल्ड आउट हो गया और बहुत दिनों के बाद ये फिर से जो है स्टॉक में आया है। और जब ये दोबारा स्टॉक में आया तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका एक फायरिंग वीडियो बना लिया जाए फॉर द रेफरेंस, क्योंकि अगर हमारे पास फायरिंग वीडियो नहीं रहेगा तो हाउ विल यू बाय इट, हाउ विल यू सी इट, क्योंकि आपको तो फायरिंग वीडियो देखना है, जबकि ऑलमोस्ट सारे गन्स की फायरिंग वीडियो सेम ही होती है। बट ओके, व्हाई नॉट। तो सबसे पहले जो है हम इसको देखेंगे चलता कैसे। दिस पार्ट इज द मैगजीन, ये इसका मैगजीन है, इसे हम बाहर निकाल देते हैं। इसका जो है बाहर का क्लिप खोलना है, क्लिप खोलना थोड़ा सा जो है यू नो इसका यूनिक है। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि कुछ गन में से घुमाने वाला होता है तो मैं इसे घुमाता हूँ, इसे घुमाना नहीं है, सिर्फ प्रेस करना। यू प्रेस इट एंड इट ओपन्स वेरी स्मूथ। आई डोंट नो, मैं इसे भूल के आता हूँ बिकॉज मे बी मैं इसे बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। CO2 इसके अंदर ड्रॉप करना है एंड दिस इज वेरी इजी। आप इसको जो है घुमाइए लाइक दिस, आपने देखा हल्का गैस की आवाज सुनाई दी, हल्का टाइट करना है, दैट्स इट। एक चीज कभी नहीं करना लाइफ में कि बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। अगर इसको बहुत ज्यादा प्रेशर करेंगे तो इट विल वेस्ट योर गन, गन आपकी जो है वो खराब हो जाएगी। पुल इट बैक, ये आपका गन है। अब आप देख सकते हो CZ-75 P07 है यहाँ पे, 9x9 डिजाइन है, मतलब ये असली गन की कॉपी है, असली CZ की कॉपी है, काफ़ी शानदार। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल्स जानना है कि क्या है इसका स्पेसिफिकेशन, क्या है, वेट कितना है, वो आप दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि दोबारा से बनाने का कोई मतलब नहीं है। जो लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो अगर आप पहली बार हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको गन्स की नॉलेज हो। अब इसके अंदर जो है BBs डालनी है, कैसे डालनी है ध्यान से देखिएगा। क्लोज इट एंड यू ड्रॉप इट, इसके अंदर आप जो है फटाफट BB डालिए एंड इट विल जस्ट ड्रॉप डाउन वेरी स्मूथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कितने BBs आप भर रहे हैं, तो यू कैन जस्ट ड्रॉप द BBs राइट हियर। Like this. Like this, आपने इसके अंदर BBs भर लिए। अब इसको जो है छोड़ देना है और इसके अंदर BBs जो है लोड हो गए। CO2 हमने पहले ही लोड कर रखा है, अब बहुत स्मूथली जो है इसको इसके अंदर डालना है। अब इसे आप क्या करना है, इसको जो है प्रेस करिए, अपने जगह पे लग जाएगा। हमारा गन जो है लोडेड है, सामने हमारे पास टारगेट है, आप देख सकते हैं दो टारगेट हैं, एक नीचे है और एक ऊपर है। तो हम पहले जो है ऊपर वाले पे फायरिंग करेंगे, फिर हम नीचे वाले पे फायरिंग करेंगे। तो ये टारगेट आप देख सकते हो ब्रांड न्यू है एयरसॉफ्ट का, हम इसके ऊपर फायरिंग करेंगे एंड देन हम नीचे वाले टारगेट के ऊपर निशान लगाएंगे। तो वॉच, तो हमने इसे लोड नहीं किया है, सो लोडेड नाउ वॉच। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। And the magazine is empty. अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग के कुछ शॉट्स जो हैं वो ऊपर के साइड गए, ऊपर टॉप पे लगे हैं। द रीज़न वॉज जब मैं इसे पुल करता था तो ऊपर कर रहता था, बाद में आई ट्राइड टू कंट्रोल इट, तो आप देखोगे फिर जो राउंड्स हैं वो ब्लैक पोर्शन पे लगे, मतलब 10-11 राउंड ऊपर लगे, बाकी जो है सेंटर में लगे ब्लैक में। तो
वंस यू गेट यूज टू इट आप अच्छे निशान लगा पाएंगे। अब जो है हम नीचे वाले पोर्शन के ऊपर जो है निशान लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सो लेट्स फिल द गन एंड देन फायर इट ऑन दिस वॉच। तो चलिए इसको फिर से फिलअप कर देते हैं एंड इट विल टेक वेरी फास्ट क्योंकि बहुत ईजी है। आप इसे पीछे कर लीजिए लाइक दिस। इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको मालूम है कितने बीबीस आप लोड कर रहे हो उसके अंदर, आपको दिख भी रहा है एंड इट्स क्वाइट ईजी। इसके अंदर जो है बीबीस डालने बहुत ज़्यादा ही ईजी हैं। एक बार आपने भर दिया जस्ट रिलीज द क्लिप, इसको अंदर जो है इंसर्ट करना है लाइक दिस, रिलीज कर दीजिए एंड चलिए हम जो है नीचे वाले पे निशान लगाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी हाउ गुड वी डू इट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन आपने देखा सारे राउंड्स खत्म हो गए। अब चलिए हम पास जाके देखते हैं कि हमने कैसा परफॉर्म किया है। अगर आप देख पाएंगे तो जब दूसरी बार हमने फायर किया तो सारे के सारे जो है सेंटर में लगे हैं। वो एक तो ये छोटा टारगेट है, आप अगर देखेंगे ऊपर वाले से ये छोटा टारगेट है और छोटे टारगेट के अंदर भी ब्लैक में लगाए। जनरली ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है खास करके इतनी दूर से फायर करना, बट क्योंकि बहुत स्टेबल था, मैंने इसको हाथ को टेबल पर रख के फायर किया था तो हाथ बहुत स्टेबल था एंड इट बिकेम वेरी इजी। एक बाहर गया है, दो तीन तीन राउंड्स बाहर गए हैं, दो इधर गए हैं, तो बाकी जो है यहाँ पे सारे लग गए। आप देख सकते हो तो यहाँ पे कितने अच्छे पॉइंट हैं। जब मैंने इस पे पहली बार फायर किया था तो फ्लाई बाय इधर बहुत सारे बाहर गए हैं और अंदर जो है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो ओवरऑल अगर आपके हाथ में स्टेबिलिटी है, मतलब जैसे कि मैंने टेबल पर रख के फायर किया तो आपका हाथ अगर स्टेबल है तो आप काफ़ी अच्छा इससे निशान लगा सकते हो ब्लोबैक होने के बावजूद। तो अगर आपको ये गन पसंद आई, आपको पता है क्या करना है, इसे परचेस करना है। परचेस कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाइए, उस पर जाकर के आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो मेल का रिप्लाई करिए, आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दे दिया जाएगा और आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आप उसको ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट से ऑर्डर करने में दिक्कत आ रहा है, आपको पता है क्या करना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 10 से लेकर के शाम के 6 बजे तक मंडे टू सैटरडे। अगर जो हमारा कॉल तब भी ना लगे तो हमें मेल करिए airsoftgunindia@gmail.com पे। और कोई भी डिटेल चाहिए आपको गाइस, वेबसाइट पे जाइए airsoftgunindia.com और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन गाइस हैव फन।